जब तक अपना जमीर आप दूसरों को बेचते रहेंगे आपकी सोसाइटी अशांत रहेगी। सबसे पहले मिश्रा जी आपसे शुरू करते हैं। आज आप बड़ा कई बार गवर्नमेंट को ना डिफेंड भी करते हैं, विच आई हैव नो प्रॉब्लम। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ क्या दिखाया जा सकता है क्या नहीं दिखाया जा सकता है। अगर आप अपने आप को मानव या इंसान बोलते हैं, जिस हैवान ने ये वीडियो बनाया और उसी हैवान ने ये वायरल किया, क्या उसके अंदर शर्म और हया नहीं है? उसके अंदर इंसानियत नहीं है? हम तो वीडियो ये देख करके हमने अपनी निगाहें बंद कर ली डॉक्टर साहब, मैं देख नहीं पाया। मेरा पहला ऑब्जेक्शन ये स्वतंत्रता के नाम पे डॉक्टर साहब ये नहीं है कि मीडिया कुछ भी दिखा दे। डॉक्टर साहब दिखाने का तरीका होता है, लिमिटेशन होता है खबरों को दिखाने का। जर्नलिज्म एक बहुत सधा हुआ प्रोफेशनलिज्म है डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ दिखा दीजिए। नहीं, मैं जो गलत है मैं खत्म हो गया, ठीक है, गलत है, ये चीज गलत है। मैं कभी भी फेवर नहीं लूंगा कि जर्नलिज्म और बोलने की स्वतंत्रता के नाम पे आप इस तरह की वीडियो डालें। उसके तरीके होते हैं, उसके लिमिटेशंस हैं कि किस तरीके से दिखाना है। आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कि आप समस्या को बता रहे हैं उस आदमी से, और जिन लोगों ने इसको शेयर किया, ट्वीट किया, मैं ये पूछना चाहता हूं आप समस्या का समाधान करना चाहते हैं? कहीं पे कुछ अगर गलत हो रहा है तो समाज और कानून की निगाह में उसको लाना चाहते हैं कि आप आग में घी डालना चाहते हैं? ये नीयत एकदम साफ है। मिश्रा जी आप ये बताइए कि मणिपुर का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? क्या 90 दिन चीफ मिनिस्टर को रखना चाहिए या हटा देना चाहिए था, या अब क्या सॉल्यूशन है वहां पर? चीफ मिनिस्टर को हटाना इतना आसान नहीं है और वो सॉल्यूशन भी नहीं है। सॉल्यूशन तो ये है कि मानवता के आधार पे जो बैर भावना दोनों या जितने भी वहाँ पक्ष हैं वहाँ पे कुछ ऐसे काम किए जाए कि उनके बीच जो है बैर भावना खत्म हो। अदरवाइज बंदूक के बल पे कहीं पे भी परमानेंट जो है पीस नहीं हो सकता है। और इसमें हम सारे पॉलिटिकल पार्टी और सारे नेता लोग भी इसी चीज में बिलीव करते हैं। दूसरी चीज, चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात हो रही है, बंगाल में क्या हुआ? कोई मीडिया नहीं बोली, कोई सुओ मोटो। अच्छा, यही अफसोस है, यही अपोजिशन वालों के। एक मिनट मिश्रा जी, सुबह से मैं यही सुन रहा हूँ बंगाल में क्या हुआ। नहीं, बंगाल में तो तुम आदमी सुनिए, बंगाल में 30 आदमी मरे। सुनो तो सही, बंगाल में 30 आदमी मरे, 30 में से मैक्सिमम टीएमसी से मरे। उस महिला के जिसके पति के सामने हैवानियत की गई और बलात्कार किया गया। छत्तीसगढ़ में वहां पे हमारे आदिवासी भाई नग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे भी जाकर के चरण छूना चाहिए। सारे मुख्यमंत्रियों को छूना चाहिए। बात मणिपुर की हो रही है, बात मणिपुर की हो रही है, आप बंगाल ले आए। जब बंगाल डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, बात इस वक्त सिर्फ मणिपुर की हो रही है। मैं इंसान, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मणिपुर भारत से। आप बोल दीजिए बंगाल में इंसान नहीं है, बंगाल में वो यही बात है। जो अपोजिशन वाले आए सुबह से टीवी पे बैठे हुए ना, वो बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़। अरे आप एक लॉजिक दीजिए, बंगाल की महिला के साथ बंगाल में 30 आदमी मरे, यहाँ पर 200 मर चुके हैं, जबकि पॉपुलेशन बंगाल के एक शहर के बराबर है। एक आदमी और एक महिला की मैं बात कर रहा हूँ, 100-230 की तो छोड़ दीजिए। और अगर आप क्वांटिटी पे बात करते हैं तो नंबर फिगर पे बात करते हैं तो कश्मीर की बात कर लीजिए। और मिश्रा जी मणिपुर का आप सोल्यूशन बताइए, ये छोड़िए ये बातें, मणिपुर का सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन ये बोलता हो मुख्यमंत्री हटा दो, जाके पैर पकड़िए, डेफिनेटली होना चाहिए। हटाइए ना जहाँ जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही है। अरे मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ, फिर उधर ले गए। चलो मणिपुर की बात करिए, मणिपुर का सलूशन बताइए। मणिपुर में ऑल पार्टी जा करके जो विद्वेष की भावना दोनों ग्रुपों में है उसको हटाया जाए, दोनों को बराबर का नागरिकता का अधिकार दे, दर्जा दिया जाए। किसी के मन में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि उनको ज्यादा अधिकार मिले हैं मुझे कम। इसमें मेन लड़ाई और झगड़ा जो चल रहा है, वायलेंस, यही है कि एक लोगों को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं दूसरे को नहीं मिले हैं। सारा झगड़ा का जड़ तो यही है ना। अच्छा मिश्रा जी ये हिंदुस्तान में ये कभी हुआ या होगा जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं? मैं आपको अगर नहीं होगा, नहीं हुआ, इसके पहले भी नहीं हुआ और नहीं होगा, फिर डिबेट का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं डिबेट तो हम कर रहे हैं, हम सोल्यूशन बता रहे हैं, शायद वो कभी आपका सोल्यूशन मान जाए। यूपी में तो देख रहे हैं ना, हुआ। अगर यूपी में एक योगी आदित्यनाथ दंगे नहीं होने दे रहा है तो मणिपुर और बंगाल के मुख्यमंत्री भी तो भारत के हैं, वही हाड़ मास के इंसान है, क्यों नहीं जाके कोचिंग लेते योगी से? अरे यार कमाल की बात करते हो। कहाँ वहाँ मणिपुर में सिर्फ 2 कम्युनिटीज हैं, हैं जी, और उनका आपस में लड़ाई झगड़ा है। कहाँ यूपी में जहाँ पर 22 करोड़ आदमी हैं और वहाँ पे 100 किस्म की कम्युनिटीज हैं। यूपी सर, भारत में दंगे केवल मुश्किल से 2 कम्युनिटी के बीच होते हैं, मल्टी कम्युनिटी के दंगे यहाँ नहीं हुए हैं कि 4 धर्म के लोग लड़ रहे हैं या कम्युनिटी के लोग लड़ रहे हैं। यूपी में भी दंगे होते थे, 2 कम्युनिटी के बीच होते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं 2 कम्युनिटी के नहीं है, जो गुंडे थे वो दंगे करवाते थे, उन्होंने गुंडों को पकड़ा और उनके ऊपर हाथ रखा। ये कम्युनिटी की जब लड़ाई होती है जो गुंडों के बीच नहीं होती, वो पॉलिटिशियन करते हैं। राजस्थान मणिपुर ममता दीदी को भेजिए योगी से जाके क्लास ले। फिर वही ममता आ गई। बात मणिपुर की पहुंच जाते हैं ममता पे। यार कमाल है ये हिंदुस्तान में, ये कमाल है कि बात कोई करो। कम्युनल हार्मोनी कैसे यूपी में मेंटेन की गई है, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री सीखे, राजस्थान के सीखे, छत्तीसगढ़ के सीखे, सब जगह के। जम्मू कश्मीर में हुआ। आप वही बात कर रहे हैं। अच्छा मिश्रा जी ये 4000 मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न हथियार बकायदा पुलिस ने लोगों को दिए। ये वो तो ये कहते हैं हमसे यहाँ से छीन के ले गए। 4000 मॉडर्न, उसमें से मैं ये समझता हूँ 3999 मेतीज वालों को दिए गए। अब बताइए कि ये जब गवर्नमेंट ही ऐसा काम करेगी तो वहाँ सोल्यूशन कैसे होगा? डॉक्टर साहब ये खबरें हैं कि पुलिस ने जाके उनको घर में पहुँचा दिए अपने हथियार, पहली चीज। इस पर मेरा कोई क्लेम नहीं है। हाँ, अगर उनके पास हथियार पहुंचे हैं, मैं ये पूछता हूँ कि वहां पे अस्पा लगा था, मिलिट्री वगैरह को स्पेशल पावर दिए गए थे, लगा हटा दिया गया, कुछ हिस्सों में लगा दिया गया, हटा दिया गया। पक्ष और विपक्ष तो दोनों जानते थे ना कि वहां पे जो कुछ उग्रवादी हैं वो म्यांमार से समर्थित है और उनको सोफेस्टिकेटेड वीपन्स मिलते रहते हैं, चाइना वगैरह का भी इंटरफेरेंस रहता है। देश के सारे पक्ष और विपक्ष के लोग जानते हैं। जब जानते हैं तो अस्पा वगैरह क्यों हटाया गया? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेम कुमार जी भी, सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये समस्या कुछ और है, लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस की नहीं है। जब पुलिस के बस की इस तरह की बातें नहीं है तो इसीलिए वहां पे मिलिट्री वगैरह को हैंड ओवर किया गया था। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समस्या की जड़ को विपक्ष भी नहीं देखना चाहता है। मैंने एक शब्द यूज किया, क्यों नहीं ऑल पार्टी जो है मेंबर्स को वहां भेजा जाए और दोनों तो कुकी और मैतेई के बीच में एक सौहार्द स्थापित किया जाए? क्यों नहीं बराबर का दर्जा दोनों? एक स्टेट है, एक स्टेट में सारी जमीन सारे लोग खरीदे, दूसरे के स्टेट के लोग जाके ना खरीदे। तो ये भाई भतीजावाद वहां की पहले की सरकारें और अब की सरकारें भी अगर कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? तो उसका रिजल्ट क्या होगा? खाई बढ़ेगी और खाई बढ़ते बढ़ते वो हिंसक हो गई है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है, ऑल पार्टी मिल करके और भी जो समाज के बड़े लोग हैं, प्रभावशाली प्रबुद्ध लोग हैं, वहां जाके आपसी सौहार्द करें। रहते हैं ना बहुत सारे जगह, कई समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं दूसरे देशों में और शांति के साथ रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक समुदाय अगर हैवीली जो है वीपनाइज्ड है, चाहे वो तस्करी करके आ रहा हो, भारतीय पुलिस या भारतीय सेना तो उनको नहीं दे रही है ना। यहाँ पे रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मिलिट्री का है। उनको फुल ऑर्डर देना चाहिए कि आप इस चीज को डी वेपनाइज करिए इस एरिया को। अब वो भी पॉलिटिक्स के कारण नहीं हो रहा, जहां प्रेशर या गन कल्चर यूज करना है आतंकवादियों के खिलाफ, वो सरकार को अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। जहां आपसी सौहार्द, मैंने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, उसको कोई माने या ना माने, सोसाइटी सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं हम आप जो मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। क्यों सोसाइटी के प्रबुद्ध लोग अपने छोटे छोटे फायदों के लिए अपना कंट्रोल, सोसाइटी का कंट्रोल किसी नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देंगे? अरे ठीक है, जितने भी हैं सब लोग बोले ना भाई इलेक्शन होगा, हमें जिसको वोट देना होगा दे देंगे। नेता पॉलिटिकल पार्टियों के कहने पे सड़क पे निकल आएंगे, सारी चीजें करेंगे। तो जब तक अपना जमीर आप दूसरों को बेचते रहेंगे आपकी सोसाइटी अशांत रहेगी। जब तक अपना जमीर आप दूसरों को बेचते रहेंगे आपकी सोसाइटी अशांत रहेगी, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। तो पहला सोल्यूशन ये होना चाहिए कि कहीं का भी जो नेटिव आदमी है, जो वहां लोकल लोग हैं, उन लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। सवाल क्यों पुलिस को आप इनवाइट करते हैं, क्यों मिलिट्री को आप इनवाइट करते हैं, ऐसा क्या कर लेंगे आप? मिलिट्री आकर के आपके यहाँ बहुत सौहार्द स्थापित कर देगी, पुलिस आकर के डंडे ही चलाएगी ना। तो ऐसा बिहेवियर करिए सोसाइटी में कि पुलिस और मिलिट्री को आने की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद भी अगर चीजें नहीं होती है तो शासन प्रशासन अपना है। लाइव एग्जाम्पल हमारे भारत में है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने एरिया में बहुत अच्छे काम किए हैं सरकारों ने, और पहले भी किए हैं। बात केवल भाजपा की नहीं है, पहले भी किए हैं। और प्रशासन जब अपने पे आ जाता है तो चीजें हो जाती है। मैं अभी भी बोलूंगा कि मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन ले। प्रेम जी है कि बीजेपी डिफेंसिव में है, तो जैसे डिफेंसिव में है तो ये इस गठबंधन की एक तरह से नामकरण करने में ये जीत हुई। मिश्रा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं 3 पार्ट में इसकी एनालिसिस करूंगा। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा समय भी नहीं कि वो मेरा समय खत्म हो जाए। नहीं, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। जो इन्होंने इंडिया बनाया है ना, इंडिया बनाते ही ये इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लिया है। और क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो भारत में है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती है, वहाँ क्लियर कट ये लिखा गया है कि ऐसा कोई नाम या एब्रिविएशन आप यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। इंडिया भी उसी कैटेगरी में आता है। जैसे कोई सेना का नाम आप लेना चाहें तो वो नहीं होगा, इंडियन मिलिट्री के नाम पे कोई पार्टी बना दे इस तरीके से करके नहीं होगा। भारत जो लोग बहुत सारे पत्रकार दे रहे हैं, इंडिया टीवी है, ये है, वो है, 50 जगह लगा हुआ है, उन मूर्खों को मैं बताना चाहूंगा सफिक्स और प्रीफिक्स लगाने से मतलब बदल जाता है। ठीक है, फलाने फलाने ऑफ इंडिया तो आप लिख सकते हो, ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो आप लिख सकते हो। केवल इंडिया अगर आप यूज करते हो तो इसका मतलब है आप मालिकाना हक इंडिया के ऊपर दिखा रहे हैं। ये नेचुरल और संवैधानिक पेटेंट है संविधान का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वर्ड। तो ये जैसे ही रजिस्टर कराने के लिए जाएंगे या इलेक्शन कमीशन होगा इस पे रोक लगा देगा कि ये चीज से आप नहीं कर सकते। पहले मिश्रा जी, एक सेकंड, मैं आपको रोकना नहीं चाहता था। ये कोई रजिस्टर नहीं उन्होंने कराना, नंबर 1। नंबर 2, मैं भी लॉ के बारे में जानता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आई इसकी एब्रीविएशन है। आई फुल स्टॉप, एन फुल स्टॉप, डी फुल स्टॉप, आई फुल स्टॉप एंड ए फुल स्टॉप। सो ये इंडिया जो है ये सिर्फ आपको कहने में सुनने में है, लेकिन इसका कोर्ट में आप देख लेना, कोई भी कोर्ट में नथिंग विल हैपन। नहीं, बिल्कुल होगा, मेरे वर्ड्स को आप रखिएगा। मेरे भी वर्ड, आप इंडिया मत, मेरे वर्ड्स भी रखिए, मैं बिल्कुल रखूंगा। हाँ, आप इंडिया मत बोलिए, आप उसको ऐसे प्रोनाउंस करिए, आई फुल स्टॉप डी, अब एन, एन फुल स्टॉप डी, ऐसे नहीं कुछ बोलता होता, वर्ड ऐसे नहीं बोले जाते। नहीं, ऐसे ये नहीं, बिल्कुल मनाही है डॉक्टर साहब, ये मनाही है। अरे देख लेना, कुछ नहीं है ये, कोई मतलब A.K. मिश्रा नहीं, वो आप बोलिए A.K. मिश्रा बोलिए। ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नहीं आता है, ये ग्रामर का सब्जेक्ट है। A.K. मिश्रा या P. कुमार, प्रेम कुमार, P. कुमार, हाँ, ये इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन ये है कि मैं अपने घर के सामने बोर्ड लगा देता हूँ प्रेसिडेंट हाउस, आप जरा लगा के देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगा करके लगा देता हूँ। ये तो कोर्ट डिसाइड करेंगी, आपने मैंने डिसाइड नहीं करना। अच्छा, लेकिन आगे अब दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। हाँ ठीक है, इस पे जो प्रेम कुमार जी और आपने बोला वो सही है। बीजेपी यहाँ पे डिफेंडिंग मूड में आ गई है। वहां के मुख्यमंत्री ने तुरंत हटा करके इंडिया की जगह भारत लिखा, तो भी डिफेंड नहीं कर पाया। मैं होता तो मैं तो क्वेश्चन पूछता, भाई मेरा मन है इंडिया की जगह मैंने भारत कर दिया, तो इसमें विपक्ष को क्या ऑब्जेक्शन? जैसे विपक्ष पूछ रहा है कि भाई इंडिया हटा के भारत क्यों किया, क्वेश्चन ये पूछना चाहिए बीजेपी को कि मैंने भारत कर दिया तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? कहां से हटाओगे? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो स्टार्ट इंडिया वर्ड से होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, आप अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, अगर हिंदी में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, नहीं, हिंदी वर्जन में भी लिखा है। हिंदी वर्जन में भारत का संविधान लिखा हुआ है। आप भारत की संविधान हिंदी वर्जन की लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में लिखा है भारत का संविधान। हिंदी की बुक में ये नहीं लिखा है कि संविधान ऑफ इंडिया ये नहीं लिखा हुआ है। तो ये ग्रामर और लॉ की चीजें हैं, खैर छोड़िए इसको। दूसरा पॉइंट, बीजेपी इस पे बैकफुट पे थी, स्ट्रेटेजिक ये नहीं मैनेज कर पाए। उन्होंने भारत लिख दिया था तो काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था कि भारत से क्या आपत्ति है, अगर मैंने इंडिया की जगह भारत बदल दिया तो इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है, मेरा क्वेश्चन है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, 26 पार्टियां हैं, 26 पार्टियों में कौन पार्टी कितना सेक्रीफाइस करेगा, जो पार्टी बहुत स्ट्रांग है, इस पर कई बार पहले भी बात हो चुकी है, वो क्यों करेंगे, वो तो बोलेंगे, ममता बनर्जी तो बोलेंगी भाई हम तो सारी सीटों पे लड़ेंगे, हम बंगाल में नहीं देंगे, बंगाल के बाहर आप कर लीजिए कितनी सीटें किसको मिलेंगी। और 1:1 का जो है कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाए, ये इनके लिए यक्ष प्रश्न है। अगर इस यक्ष प्रश्न का जवाब विपक्ष ने दे दिया, 26 पार्टियों ने मिल, पहले तो ये इंडिया शब्द से जूझ ले, अभी आप शांत रहिए, हम शांत हैं एकदम, जब इलेक्शन कमीशन गजट करेगा डेट। अरे वहाँ इंडिया इलेक्शन कमीशन का मतलब ये थोड़ा कि वो वहाँ जाके इंडिया कह रहे हैं कि हम इंडिया की तरफ से लड़ रहे हैं, वो तो उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना, वो इंडिया के नाम पर नहीं लड़ना, अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजों का यूज करना, जैसे रुपए पैसे का यूज करना, इलेक्शन कमीशन ने मना किया है कि इससे ज्यादा आप पैसे यूज नहीं कर सकते, पैसे का लालच देके या कुछ ऐसा लालच देके आप प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ शब्दों को कि बोल करके आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन उठेगा वहां पे, और उठने शुरू हो गए हैं, FIR वगैरह हुए हैं। no प्रेम जी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये FIR मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, इट हैज नो मीनिंग, मैंने पढ़ा। देखिए, अगर इस नाम से कोई निर्वाचन आयोग में कुछ लिखित में कुछ होता है तब भी एब्रिविएशन के साथ ही होगा, और एब्रिविएशन के साथ वो टेक्निकली उस दायरे में आएगा ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन थोड़े देखेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया नाम से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है, कोई चुनाव लड़ने नहीं जा रहा है, जैसे UPA नाम से नहीं लड़ा गया था। कंस्टिट्यूएंट जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी पार्टी के लोगों को देंगे, तो इसलिए कहीं से लीगली, और ऐसा नहीं है कि इंडिया नाम रखते हुए कांग्रेस की लीगल टीम ने इस पर वर्कआउट नहीं किया है, है ना, वर्कआउट किया है। मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं प्रेम कुमार जी और विपक्ष से पूछता हूँ, मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, बोलते हैं ना पैर पे मारना, गले पे मारना, इन्होंने तो सर पे मार लिया। मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताइए इंडिया में भ्रष्टाचार है कि नहीं, आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इंडिया में बेरोजगारी है कि नहीं, इंडिया में महंगाई है कि नहीं, इंडिया में इंडिया के नेताओं में घपलेबाजी है कि नहीं, जरा विपक्ष से 5-6 सवालों के जवाब ले लीजिएगा, और जिस दिन वो जवाब दे देंगे उस दिन मैं कायल हो जाऊंगा। पूछिए ना विपक्ष से, इंडिया में भ्रष्टाचार है कि नहीं, मुझे बताइए, इंडिया के नेताओं में भ्रष्टाचारी है। विपक्ष से क्या पूछना, वो जो जितने भ्रष्टाचारी हैं, एक बहुत बढ़िया मशीन है, उसमें जब जाते हैं घुल जाते हैं फर्स्ट क्लास एंड घुल के बाहर आते हैं। N.D.I.A से पूछ रहा हूँ, इंडिया के नेता भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं मुझे बता दीजिए। बिल्कुल बोलिए, विपक्ष के अंदर हिम्मत हो तो बोले कि इंडिया के नेता भ्रष्ट हैं, वो मुझे बोल के दिखाएं। नहीं नहीं, वो बोल के क्या दिखाएं, वो तो मानते हैं। विपक्ष जब बोलेगा तो वो कुछ इस तरह से बोलेगा कि इंडिया है तो भ्रष्टाचार मिटा के रहेगा, इंडिया है तो गरीबी मिटा के रहेगा, क्योंकि बीजेपी मैनेज नहीं कर पा रही है। बीजेपी को तो सवाल पूछना चाहिए, बीजेपी बैकफुट पे इसीलिए है। अच्छा, ब्रेन बस्ट में दोनों इकट्ठे नहीं बोलते प्रेम जी, अकेले। मैं देखूंगा ये लोग कैंपेन कैसे, ये क्या मुद्दे बनाएंगे कि इंडिया में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, इंडिया में हम भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ेंगे। मैं तो देखूंगा ये अपने मुद्दों को, जब से इंडिया बना है तब से इन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, वो रोज उठाते हैं, अब रोज उठाते हैं, क्या बात करते हैं। मैं 10 टीवी रोज देखता हूँ, वो रोज उठाते हैं। प्रेम जी आप बोलिए। अच्छा प्रेम जी आप बोलिए। यही संघर्ष है, बल्कि इंडिया नाम जिसने रखा है उनको अपने खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है। इंडिया नाम जो जिन्होंने रखा उनके खिलाफ बीजेपी बोलेगी। एक मिनट मिश्रा जी, प्लीज एक सेकंड। हाँ जी, और जब बीजेपी बोलेगी तो निश्चित रूप से वो सारी बातें उस तरीके से बोलेंगी जैसे मिश्रा जी बोल रहे हैं। तो यही तो प्रश्न है कि आप महंगाई, बेरोजगारी, जितने निगेटिव चीज है अपनी सरकार की, उनको आप विपक्ष को कोसने के नाम पर सामने लाएंगे। ये तो स्ट्रेटेजिकली किसका लड़ेगा मुझे बताइए? इंडिया में भ्रष्टाचार है, इस मुद्दे पर लड़ेगा। इंडिया में महंगाई है, इस मुद्दे पर लड़ेगा। इंडिया में बेरोजगारी है, किस मुद्दे पर? मिश्रा जी मुझे पता आप बहुत मतलब मुझे ये सवालों के जवाब हम मिलेंगे। विपक्षी देगा, विपक्षी उठाएगा, विपक्षी देगा। आप जरा प्लीज चुप रहिए, जरा प्रेम जी को बोलने दीजिए। देखिए, ये जो संगठन बना, पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बेंगलुरु में हुई और तीसरी मुंबई में होगी। तो अभी तक वो मुद्दे जो मिश्रा जी खोज रहे हैं, वो मुद्दे वास्तव में तय नहीं हुए हैं। ये अगली बैठक में तय होंगे। हो सकता है कि अगली बैठक में संयोजन तय हो, मुद्दे और बाद में तय हो, ये संभव है। लेकिन इंडिया में जिन एब्रिविएशंस का इस्तेमाल हुआ है, वो आइडियोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल में चुनौती देते हुए है। ये भारतीय जनता पार्टी के समांतर एक वैचारिक आधार खड़ा कर दिया है इन्होंने। तो ये विपक्ष का। लेकिन मुद्दे, आप सही कह रहे हैं कि मुद्दे अभी तय नहीं हुए, मुद्दे तय होंगे। पर मैं तो ऐसा नहीं कि अभी तुरंत चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, मिश्रा जी आप बोलेंगे, आप बोल रहे हैं, वो उनको खत्म कर लेने दो, ये बोलने दिया जाए जी। हाँ जी, मिश्रा जी देखिए, मिश्रा जी देखो, इलेक्शन आने वाले हैं। मुझे ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में आपको लगता है कि अगर बॉम्बे की मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर बॉम्बे में मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और बाकायदा एक फॉर्मेट बन जाता है, डू यू थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग? वर्ड इज सिंपल, विल इट बी इंटरेस्टिंग? डेफिनेटली इट विल बी इंटरेस्टिंग। और मेरी तो शुभकामनाएं विपक्ष को है कि आप इंडिया के नाम से पार्टी बनाइए और लड़िए। सवाल मेरा यही है, प्रेम कुमार जी ने जो डाइल्यूट कर दिया, 10 साल तक चिल्लाते रहे इंडिया में करप्शन है, इंडिया में भ्रष्टाचार है, इंडिया में महंगाई है, इंडिया में बेरोजगारी है। अब जब चुनाव आया तो ये सारे मुद्दे ही नहीं होंगे। अब मुद्दे एकदम नए बनेंगे। मुद्दे कैसे बनेंगे? मुद्दे ये बनेंगे कि भाई हम विकास, जो बीजेपी जो हम विकास पे ले जाएंगे, हम सहभागिता पे। 10 साल जिन मुद्दों को ये विपक्ष चिल्लाता रहा कि इंडिया में करप्शन है, इंडिया में भ्रष्टाचार है, इंडिया में लूट है, इंडिया में अन्याय है, अब विपक्ष बोल के दिखाए मुझे। और इंडिया देश का नाम आप ना, मेरे ख्याल आप एक ही टीवी देखते हो, मैं कम से कम 6 टीवी देखता हूँ सुबह 2 घंटे में 15-15 मिनट तकरीबन। हर अपोजिशन लीडर जो है वो करप्शन की बात कर रहा है। हर अपोजिशन लीडर जो है वो बकायदा महंगाई की बात कर रहा है। अभी मैं तो सुबह की बात कर रहा हूँ। वो महंगाई की बात कर रहे हैं, वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो सब ये बातें कर रहे हैं। वो बातें नहीं खत्म हो जाएंगी। वाले तो इंडिया का नाम नहीं ले पाएंगे। इंडिया का नाम वो तो ना लें, बल्कि ये नाम नहीं ले सकेंगे बीजेपी वाले भी। यही बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो मैंने विचार रखे हैं, जो क्वेश्चन किसी टीवी मीडिया नेता होता, पक्ष विपक्ष के नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, विपक्ष वाले बोल के दिखाएं कि इंडिया में महंगाई है और हम चुनाव में महंगाई को मुद्दा बनाएंगे, इंडिया के महंगाई को, इंडिया के करप्शन को हम मुद्दा बनाएंगे। अब बोल के विपक्ष ने अपने जवान पे ताला लगा दिया है। इसीलिए मैंने बोला कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन्होंने ले लिया है। पता नहीं आप कौन से विपक्ष में कौन से टीवी देखते हो। मैंने तो आज सुबह जितने टीवी देखे, मैंने आज सुबह नहीं, इंडिया लफ्ज चाहे, देखिए इंडिया लफ्ज चाहे वो यूज करें ना करें, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि जो हमारा इंडिया ग्रुप बना है, हम महंगाई के अगेंस्ट लड़ेंगे। मैंने बीजेपी की बुराई की, मैंने बोला ना कि हाँ भाई बीजेपी बैकफुट पे है, मैनेज नहीं कर पाई। तो मैं विपक्ष को भी मैं बोल रहा हूँ, भाई आप नाम लेके दिखाओ कि इंडिया में करप्शन है और इंडिया में करप्शन है, ये मेरा मुद्दा है। हाँ, वो यही कह रहे हैं कि जो इंडिया बना, जो हमारा ग्रुप बना है, ये महंगाई के अगेंस्ट लड़ेगा, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट लड़ेगा। इनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो ये पूरा नाम लेंगे I.N.D.I. नहीं, ये बोल जाइए आप। पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होता जैसे आप बातें कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट। प्रेम जी आखिर में आप हिंदुस्तान की जो मिश्रा जी आखिरी सवाल, टाइम बहुत कम है। ये जो शरद पवार हैं, हैं जी, ये क्या कर रहे हैं? चाचा भतीजा के साथ लंच भी खा रहे हैं, डिनर भी खा रहे हैं, सारी मिनिस्ट्री के साथ भी लंच डिनर खा रहे हैं। राजनीतिक वानप्रस्थ की उन्होंने तैयारी कर ली है और 2024 का इलेक्शन मेरे ख्याल से उनका लास्ट होगा। एज फैक्टर भी है और जिस हिसाब से राजनीतिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं, ठीक है, इन केस अगर अपोजिशन की आ गई, मान लीजिए कांग्रेस वगैरह जीत गए, तब तो उनका सर्वाइवल हो जाएगा, रिवाइवल हो जाएगा। अदरवाइज अब वो राजनीतिक वनवास की तरफ चले गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कर पाएंगे। इतनी परिस्थितियां बिगड़ गई हैं कि उसको बनाना बहुत मुश्किल होगा। लास्ट कमेंट्स अबाउट इंडियन न्यू पॉलिटिकल सिनेरियो। It is very interesting. It will be very interesting, and particularly I was waiting some such kind of the situation. जहाँ पे दो ग्रुप क्लियर कट हो जाए तो वहाँ मुकाबला बहुत फेयर कंपटीशन होता है। मैं तो बोलता हूँ कि पक्ष और विपक्ष जो दो ग्रुप बने हैं ना, इसी पे चुनाव हो। मल्टीपोलर कई ग्रुप लड़ते हैं तो वहाँ पे फिर बहुत कंफ्यूजिंग वो हो जाता है। अब की बार अगर केवल दो ग्रुप लड़ते हैं ना तो जनता कंफ्यूज नहीं होगी और क्लियर कट जनता चुनेगी, जिसको भी चुनेगी। तो मैं बोलता हूं एक बार इसी मुद्दे पे हो जाए कि केवल दो ग्रुप लड़ेंगे। जी आप दोनों